आप तो मेरी माँ है ना, आप तो मेरा साथ दे। उसे कह दें कि वो रिश्ता लेकर नहीं आए। अरे तेरा तो दिमाग खराब हो गया है, शादी की तैयारियां शुरू हो गई हैं। मैं और आयशा बाजार जा रहे हैं, जिद छोड़ अब तू भी हमारे साथ चल। हाँ दोनों की तैयारी एक साथ होगी, अगर पैसों की कमी बेशी हुई तो मैं जफर से और मांग सकती हूँ। चल को पैसों की पड़ी हुई है, नहीं जाना मुझे शॉपिंग पे, उसी को लेकर जाए ना, वो बहुत खुश है। उसी ने शामिर को भड़काया होगा। किसी ने किसी को नहीं भड़काया, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। मैं कह रही हूँ जिद छोड़ चल, हम लोग बाजार जा रहे हैं। मुझे नहीं जाना, और आते हुए ना मेरे लिए कफन ले आइएगा। अच्छा तो फिर मर यही पड़ी रहे, हम तो जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, दफा हो यहाँ से। हेलो। हाँ मैं बात कर रही हूँ, बहुत मुश्किल से कॉल किए, शामिर ने मेरा फोन छीन लिया। इसको तो मैं छोड़ूंगा, क्या पागल हो गया ये? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, चाची की फोन से बात कर रही हूँ, यहाँ घर पर सबने हंगामा खड़ा कर दिया है। यार एक तो तुम्हारा पूरा खानदान ही पागल। अच्छा सुनो, तुम मिलो तो फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है। फिलहाल तो मिलना बहुत मुश्किल है, इन लोगों ने मेरा कॉलेज जाना भी बंद कर दिया। थोड़ा वक्त गुजरने दो, मैं फिर मिलूंगी। तुम मेरा साथ तो नहीं छोड़ दोगे ना अली? नहीं छोड़ूंगा यार, तुम जानती हो मैं वैसा लड़का नहीं। लेकिन तुम प्लीज एक बार मिलने की कोशिश तो करो, वही पुरानी जगह। मैं दोबारा तुम्हें अम्मी के नंबर से या फिर इसी नंबर से कॉल करूंगी, अभी मैं रख रही हूँ। ओके।